नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात के DLSA सेक्रेटरी साक्षी गर्ग ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को महिला पखवाड़ा के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए पारिवारिक न्यायालय के मामले में परामर्श और सुलह समझौता कराया जाएगा। इसमें पीड़ित महिलाएं अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी से रह सकेंगी। जनपद कानपुर देहात में महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला न्यायालय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम जनपद में 7 दिनों तक चलेगा। इसको लेकर DLSA सेक्रेटरी साक्षी गर्ग ने IPN न्यूज की टीम के साथ खास बातचीत करते हुए अहम जानकारी दी। IPN न्यूज की टीम को मुख्य जानकारी देते हुए न्यायालय की SMT साक्षी गर्ग सेक्रेटरी DLSA ने बताया कि इस कार्यक्रम को महिला दिवस के उपलक्ष्य में अभी से ही आयोजित किया जा रहा है। कहा कि पारिवारिक मुकदमों में दोनों पक्षों को बैठा कर समझाया जाएगा, जिससे कि दोनों लोग सुलह समझौता करके एक हो सके। साथ ही 4 मुकदमे भी खत्म किए गए हैं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संदीप कुशवाहा की खास रिपोर्ट। उपलक्ष्य में क्या किया जा रहा है न्यायालय की तरफ से? महिला दिवस जो 8 मार्च 2021 को मनाया जाता है, उसके लिए हमारी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की तरफ से महिला पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत पारिवारिक न्यायालय जो जनपद न्यायालय कानपुर देहात में स्थित है, उसमें लंबित मुकदमों को सुलह समझौता के आधार पर खत्म किया जाएगा। ये कब तक चलेगा मैम? ये 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक चलेगा और हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मुकदमे दोनों पक्षकार जो परिवार के ही सदस्य हैं उनके बीच सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया। अभी तक कितने मुकदमे? अभी तक कल और आज में 2 और 3 मार्च को पारिवारिक न्यायालय से 5 मुकदमे निस्तारित किए जा चुके हैं। थैंक यू।